गोहाना में एक बार फिर गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हुआ है। गांव गड़ी सराय के प्राइवेट स्कूल में तीन छात्राओं ने टीचर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। परिजनों को जब इस घिनौनी वारदात का पता लगा तो परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। गढ़ी सराय गांव के प्राइवेट स्कूल में तीन छात्राओं ने टीचर संतराम पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने घर वालों को जब टीचर की इस घिनौनी करतूत के बारे में बताया तो परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया। घर से आकर कई दिनों का बीमार भी हो रही है, तो बीमार हो रही है, इसे डर मैं किसको बताऊं, किसको ना बताऊं ये बात, ठीक है। मैं कहते चॉकलेट देता हूँ, उनको चॉकलेट भी देता है, बीच में फूल भी दिया, ओके 20 करोड़ के था वो वैलेंटाइन डे, उसको उनको फूल भी दिया है, ठीक है। मैं डर दिया ना कर, कई दिन पीछे बता, टीचर का पिताजी है वो, पिताजी है और काफी दिन से ये शिकायत आ रही है, अकबर के नाम काफी दिन से हो रहा है। मेरे को तो अभी 10 मिनट पहले ही बोला गया, अगर शेख बैग परसेंट स्कूल में आ जाए, मेरे को तो यहाँ पास पता लग गया, अब तेरी पोती के साथ छेड़छाड़ हुई है। बता जी, चॉकलेट दे रहे हैं, फूल फाल दे रहे हैं, बड़ा खच का बोल, खच का बोल, तरकत करता है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल और आरोपी टीचर के पिता सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। ये स्कूल में वो है 8वीं की बच्ची, उनके घरवाले लगा रहे हैं आके, ना तो लड़कियों से हमने पूछने दिया, ना हेडमास्टर ने पूछा कि भाई ये तो आंधे हैं, तो ना वो पिटाई शुरू कर दी, पिटाई शुरू कर दी। तो आप बेबुनियाद बता रहे हो, इतने बड़े कांड, बेबुनियाद, पहले उसे पूछो तो, अरे पूछताछ तो करो उसे। स्कूल में हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। अभी तक उस झगड़े बारे कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं है, जो भी सूचना मिलेगी, कंप्लेंट मिलेगी, उस पर कार्रवाई कर देंगे। जिस तरह से पता लगा कि लड़की के कुछ परिजन टीचर पर आरोप लगाए हैं, हाँ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उससे कंप्लेंट मांगी जा रही है, अभी कंप्लेंट नहीं दे रहे, वो गाँव में ही से आए नहीं अभी तक, आरोप लगाए, हाँ आरोप लगाए। मामला गाँव का होने के चलते दोनों पक्षों में समझौते के लिए पंचायत की जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर गुरु शिष्य के पवित्र रिश्तों को कलंकित करने का काम किया है। फोकस हरियाणा के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।